Subscribe my channel and press the bell icon for my upcoming videos. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmiduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Assalamu alaikum mere pyare viewers. Umeed karti hu aap sab bilkul khairiyat se honge inshaallah. Aur welcome to Mani's kitchen. Viewers, aaj main aapko bahut mazedar tandoori bread rolls banana sikhaungi jisme mujhe ingredients chahiye. मेरे पास चिकन है 300 ग्राम यानी 300 ग्राम और इसको आप इतना छोटा छोटा कट कर लें. ये मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ. ये हम इसमें डालेंगे एक बाउल में. उसके बाद इसके अंदर ये हाफ कप दही है. हाफ कप दही डालने के बाद वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट, वन टीस्पून लाल कुटी मिर्च और तंदूरी मसाला वन टेबल स्पून और नमक मैंने बिल्कुल चुटकी के बराबर लिया है क्योंकि इसमें भी नमक शामिल होता है. ये हम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे. व्यूअर्स, नमक आप जब इसको फ्राई करेंगे तो टेस्ट कर लीजिएगा, तो अपने हिसाब से और डाल लीजिएगा अगर आप लोगों को कम लगे. ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे फ्रिज में रख के. उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे. फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है. व्यूअर्स, ये देखें 30 मिनट हमने इसको मैरिनेट किया है. इसके बाद हम इसको सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करेंगे. वैसे चिकन गलने तक हमने इसको कुक करना है और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डलेगा क्योंकि दही है इसमें शामिल. दही अपना पानी खुद ही छोड़ेगा. बस हमने इसको इसके गलने तक पकाना है. वैसे देखें हमारा चिकन फ्राई हो गया. इसकी इस तरह शेप आनी चाहिए बिल्कुल खुश्क. अभी आपने ब्रेड साइज लिया है, उसकी ब्राउन एजेस आप लोगों ने चारों कॉर्नर्स काट लेने हैं. अब इसको बेलना है, पतला करना है हमने ब्रेड स्लाइस को. ये देखें इस तरह. ये इस तरह हमने देखें बेल लिए ताकि हमारे रोल इजीली बन जाए. व्यूअर्स, ये देखें आपने थोड़ी सी फिलिंग इसमें रखी, ज़्यादा नहीं रखनी वरना फट जाएगी ब्रेड. और इस तरह कॉर्नर्स पे पानी लगा दिया. अब हमने बिल्कुल आराम से इसको फोल्ड कर देना और यहाँ से ऐसे हमने दबा देना. इस तरह ये बन जाएगा. अब बाकी के भी हम बना लेते हैं.
व्यूअर्स, ये देखिए हमारे इस तरह रोल बन जाएंगे। अब हम इसको एग वॉश एग में डालेंगे। इसके बाद हम इस तरह ब्रेड की कोटिंग करके फ्राई करेंगे। व्यूअर्स आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और बता दूं आपको, इस तरह एग में फोल्ड करके व्यूअर्स ये देखें, इसको आपने बहुत एहतियात से फ्राई करना है, ये जले ना। पलट पलट के फ्राई करेंगे ताकि दोनों कलर, दोनों तरफ से इक्वल कलर आए। ये देखें इस तरह ब्राउन कलर आना चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार होता है व्यूअर्स, मज़ेदार बनते हैं। आप मुझे ज़रूर बना के बताइएगा कि कैसे बने। अब मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें हमारे मज़ेदार तंदूरी ब्रेड रोल तैयार हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मज़े के लग रहे हैं। अब ये मुझे ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं व्यूअर्स। इंशाल्लाह दोबारा मज़ेदार नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।